नमस्ते बेटा नमस्ते। हमारी वड़ा पाव गर्ल की सासू माँ और चाय वाला लक्ष्य भाई, वड़ा पाव खाने भूख लगी है भाई, मैंने पीछे बिठा दिया आप लोगों के लिए। आया था मैं, सच बोलूं तो मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया था। आज मैं मिलने आया हूँ वड़ा पाव गर्ल से। हाँ भाई, हाँ आप लोगों के यकीन नहीं हो रहा होगा, दीदी भले ही बिग बॉस में है लेकिन मिलने आए हैं दीदी से और दीदी का वड़ा पाव खाएंगे। सॉरी दीदी के हाथ, दीदी का हाथ का भी नहीं, मतलब बन का वड़ा पाव खाएंगे और देखते हैं हमें दीदी मिलती है। दीदी तो नहीं मिलेगी, बिग बॉस गेमिंग है, भैया मिलते हैं, आंटी मिलती है, देखते हैं कौन मिलता है। और आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ, एरिया तो अच्छा है, आसपास का बढ़िया है और अगर मैं कहूँ दुकान भी भाई बढ़िया खोल रखी है सच बोलूँ तो। चंद्रिका दीक्षित गेरा, चलो मैं आज मैं पॉजिटिव रिव्यू दूंगा भाई, बिल्कुल मैं किसी के खिलाफ नहीं जाने वाला। एक बार दुकान देख लो, एंट्री देख लो भाई, बढ़िया एम्बियंस है, बढ़िया साफ सफाई भी है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ओपन एरिया सबसे बड़ी बात, म्यूजिक वगैरह बढ़िया बज रहा है। अब चलते हैं, आंटी से मिलवाता हूँ आप लोगों को और खाते हैं वड़ा पाव। आप लोगों को मिलाऊंगा आंटी से, थोड़ी सी बात करते हैं आंटी से। हमारी वड़ा पाव गर्ल की सासू माँ, आंटी को बहुत देखा है मैंने, आंटी फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, हर जगह आंटी छाई हुई है और आंटी की बेटी भी छाई हुई है। अब तो बिग बॉस नहीं है, हमारी बहन, दबा के वोट मारो बहन को। आंटी जी कैसा लग रहा है आपको, मतलब दीदी को हमने कहाँ से कहाँ तक देखा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी होती है कि बहू मेरी बिग बॉस में गई है। आंटी जी क्या खाएं, लाफिंग खाएं या वड़ा पाव ही खाएं? तो खाएं लाफिंग भी खाओ, वड़ा पाव भी खाओ, दोनों चीज़ें ट्राई करो। आप एक लाफिंग लगा दो हमारी एंड एक वड़ा पाव। वड़ा पाव के लिए वहाँ से ऑर्डर भेज दो, मैं लाफिंग आंटी बताते जाना ये क्या क्या डाल रहे हो, ठीक है? स्पाइसी बनानी है, नॉन स्पाइसी? नॉर्मल, नॉर्मल मीडियम। भैया नहीं आज घर पे, रुद्र को संभाल रहे हैं, उसको भी देखना पड़ता है ना। आप ही संभाल रहे हो मतलब दुकान दीदी के बाद? ये किस चीज़ का, मट्टी का पाउडर होता है? नहीं नहीं नहीं, वैसे कई जगह नॉन वेज का भी होता है, ये सोयाबीन का है, वाई वाई और सोयाबीन। मैंने लाफिंग देहरादून में खाई थी, पूरी नेपाली स्टाइल वाली। अच्छा, आज आपकी खाएंगे। नहीं ये वैसे मैदे की लेयर होती है, डॉली चाय वाला लक्ष्य भाई, इन्हीं से प्रेरित होकर लक्ष्य चौधरी से मैंने थोड़ी बहुत रोस्टिंग शुरू करी है, फिटनेस से हटके, मतलब फिटनेस तो है ही मेरा कोर, बट थोड़ी बहुत रोस्टिंग भी करनी शुरू करी है। ये रियल हिट वाले, वो हमारा सिंगर भाई, इनका नाम क्या था, टहलका, एसएस कम्युनिकेशन, तेरा नाम क्या भूल गया मैं, दीपक नंदा, दीपक, दीपक ही है। और यहाँ तिहार जेल वाले और ये हमारी वड़ा पाव गर्ल और ये खाने के लिए वड़ा पाव बन चुका है, देखते हैं लेके आता हूँ। क्लासिक वड़ा पाव विद हरी मिर्ची, साथ में हरी चटनी। भैया इनकी चटनी की बात चल रही थी कि चटनी बड़ी धसूर है, मैं हरी चटनी खाता नहीं हूँ पर आज टेस्ट करूँगा, मैंने हरी चटनी सिर्फ और सिर्फ मम्मी के हाथ ही खाई आज तक, अब टेस्ट करेंगे कैसी है। और बढ़िया फ्लफी बन है, दो चीज़ ली है, एक लिए लाफिंग लैपिंग लापिंग लूपिंग जो भी बोलते हैं, पीली पट्टी वाला मोमोज कटा हुआ नेपाली भाषा में, मैंने नेपाल में खाया था देहरादून में लास्ट लाफिंग, वो 50 रुपए का था एंड ये कितने का थे, कितने का ये लाफिंग 60 का है, चलो 50-60 का। और ये बड़ा पाव वाला कितने का, क्लासिक वाला 60 का, 60 का बड़ा, 60 का वड़ा पाव है, 60 की लाफिंग है। इसके अंदर बेसिकली सोयाबीन या चिकन की स्टफिंग होती है, यहाँ सोया की है, टेस्ट करते हैं।
बोलूं, मैंने पिछली बार जब खाई थी ना मेरे को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि बहुत तीखी थी वो, और आई थिंक उसमें ना सोया नहीं था, मुँह में अच्छा खासा सोया आ रहा है, पतला है मैदा, इतना ज़्यादा मैदा मुँह में नहीं लग रहा, स्पाइसी कम है, अच्छी लग रही है, ट्राई कर सकते हो जरूर एक बार। खुशबू तो आ रही है, एंड ये इसके अंदर वड़ा पाव। तो आलू है सो नहीं, मतलब कम तो है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा, 60 रुपए में अगर मेरे से हाथी खाए तो नहीं खा पाएगा, एक में पेट ना भरे शायद। लेट्स अब टेस्टिंग। सच बोलूं अच्छा खासा लहसुन का फ्लेवर आ रहा है, आलू में गया, बढ़िया घुल गया, एंड हरी चटनी एक अलग खट्टापन दे रही है, बढ़िया वाला, जब वो जीभ पे लग रही है ना बढ़िया खटास आ रही है, आलू पूरा फैल गया, और लास्ट में जब मेरे को लगता है गले से उतारने में हेल्प चाहिए, बढ़िया पाव हेल्प कर रहा है उसको उतारने में। 60 रुपये जस्टिफाइड बोल सकते हैं, क्योंकि देखो अब आप दुनिया बोल रही है यार, एक सच बोलो तो दुनिया बोल रही है महंगा है, बट दुकान की कॉस्ट भी है भाई, अच्छा खासा दुकान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कूलर लगा रखा है, बाहर का एरिया दिया है, तो खर्चा तो देखो हर किसी को करना ही पड़ता है। वहाँ पर हाँ भूख लगी है, बढ़िया लग रहा है, पीतमपुरा में है शायद, एड्रेस क्या भैया का? M2K में है, पीतमपुरा के आसपास, M2K रानीबाग। अच्छा मस्त ट्राई है, और यही दोनों चीज़ जरूर एक बार ट्राई करना, उसके बाद एक बार मेन्यू दिखा दूंगा, ये तो जरूर खाना, देखता हूँ अगर और कुछ पसंद आता है तो और कुछ भी ऑर्डर करेंगे। लेट मी इन्जॉय। तो स्पेशल रिकमेंडेशन आई है किसी की कि मिर्ची ट्राई करो, आंटी ने बोला है कि मिर्ची खा के देखो, मैंने आज तक मिर्ची खाई नहीं है ऐसे कभी, कितनी खानी, थोड़ी सी ना, जिसने भी सजेस्ट करी बहुत बुरी मिर्ची, मेरे को नहीं पसंद, भूखियाँ निकल रही है मुंह से, पर बढ़िया यार, एक बार मस्त ट्राई है, बड़ा बहुत बढ़िया। त्रिलोक त्रिलोक भाई आप आसपास रहते हो? हाँ तू साउंड चंद्र रहता हूँ ना, हम तो भाई जब दूर से आए हैं, भाई से लेंगे, भाई कितने बार खा चुके हैं इनका बड़ा पाव? भाई कम से कम किसी वक्त में खा चुका हूँ, एक बार खाया था, एक बार खाने के बाद मैंने खाना तो यहीं पे खाना, कहीं खाना ही नहीं। देखो मैंने भी खाया था जब बड़ा पाव मार्केट में आया था, मैं 30 रुपए का खाया था, और वो इतना गंदा था, यहाँ आके अच्छा लगा मेरे को, हम दोबारा जरूर आएंगे। तो आप डेली खाते हो एक बार? डेली नहीं खाता भाई, अभी कभी, जब भी मेरा मन करता वड़ा पाव खाने का आता नहीं कभी। हमने इनका क्लासिक वाला खाया एंड मजा आया, मतलब लिटरली बटर वाला खाया, बटर वाला वाकई बहुत डिलीशियस है, बहुत शानदार। हम एक डेढ़ घंटा ट्रैवल करके आए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि गलत नहीं किया हमने, टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया लगा, पर पेट भी भर गया हमारा, तो मस्त। अगर वड़ा पाव खाना है ना एक बार जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या भीड़ भीड़ लगती होगी यहाँ दबा के आप? हाँ, दीदी के जान से मैं थोड़ा कम है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, शर्मा नहीं रहे थे, बाकी लोग शर्मा रहे थे, यार जो चीज़ बढ़िया है वो बढ़िया है। मैंने आंटी को इतना पूछा वीडियो बना लो, आंटी ने बहुत स्वीटली बोला हाँ बेटा बना लो, ऊपर से इन्होंने प्रोसेस भी दिखा दिया। तो आंटी एक बार हमारी ऑडियंस के लिए कुछ, चौधरी फिटनेस के लिए कुछ भी, आइए मैं तो ये कहूँगी कि आओ सब यहाँ, वड़ा पाव वगैरह खाओ, लाफिंग वगैरह सब अवेलेबल है, और मैं ज़्यादा कभी कुछ बोलती भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं बोलना क्या। 90 स्वीट है बहुत ज़्यादा, एंड खुद खड़ी है, बहुत बड़ी बात है, इस एज पे सपोर्ट कर रही हैं, बहुत बहुत वो तो बनता ही है, बहू आगे तो उसको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी आपका। आए कहाँ से आप? हम फरदाबाद से आए। अच्छा फरदाबाद, स्पेशल कौन सी जगह? सेक्टर 18 ओल्ड फरदाबाद। अच्छा हम जाते रहते हैं दो सेक्टर 3 नहीं 3 नंबर हनुमान मंदिर है दो में, तो वहीं जाते हैं भाई। देखो मैं किसी की बुराई भी नहीं करता, मैं किसी की अच्छाई भी नहीं करता, मुझे अच्छा लगा वड़ा पाव, मैंने 30 रुपए का लिटरली खाया था अपने घर के बगल में जब वड़ा पाव मार्केट में आया था भाई, वो टट्टी थी सच्ची में, लेकिन ये मेरे को अच्छा लगा। अगर मैं बोलूँ 60 रुपए में यार बुरा नहीं है, अगर मैं दो वड़ा पाव भी खा लेता हूँ 100-120 रुपए का पड़ेगा, टेस्टी था, लेजिट है, अगर 120 रुपए में मेरा दो वड़ा पाव में पेट भर जाएगा, क्योंकि भाई देखो दुकान बढ़िया खोल रखी है, पीछे पूरी दुकान दिख रही है आपको, एंड भाई ये मार्केट जो है ना ये हैवी मार्केट है थोड़ी, दीदी मैंने पीछे बिठा दिया आप लोगों के लिए, बढ़िया हैवी मार्केट है यार,
तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है 1 लाख से नीचे किराया देना पड़ा होगा इनको, क्योंकि इन्होंने 2 दुकान ली है, एक नीली और एक लंबी दुकान ली है, क्योंकि मैं हमने खुद दुकान किराए पर दे रखी है भाई 25-30 हज़ार उसी का किराया है जो मेन रोड पे, हल्की सी मेन रोड पे। ये तो भाई एक प्रॉपर सुपर मार्केट है और भीड़ प्रॉपर लगती है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है किसी को भी सपोर्ट नहीं करना भाई। हाँ वो बिग बॉस में गई है, वोट करो दबा के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे को ये था कि हाँ भाई कोई सेंटिमेंटल इमोशनली अगर चीज़ें गलत दिखाएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ रहा है जिंदगी में तो भाई मैं उसके बिल्कुल साथ देने को तैयार हूँ, लड़की ने मेहनत जरूर करी है भाई। तो भाई देखो ठेले से उठ करके दुकान तक आना कोई आसान बात नहीं होती भाई, वो यहाँ तक पहुँची, अपने दम पे पहुँची है, सपोर्ट करना हमारा काम है पब्लिक का, कर दो वोट कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद घर जाके आज वोट डालूंगा बिग बॉस में, कैसा भी कर रही है कुछ भी कर रही है भाई, अपनी फैमिली चला रही है एक लड़की के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के सपोर्ट में हूँ, मैं किसी को भी नहीं बोल रहा, जेंडर इक्वालिटी बात खत्म। और अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड दीदी के नाम का एक कमेंट जरूर करके जाना कि दीदी आपको कैसी लगती हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मार्केट में गया तो आपको आगे की मार्केट भी दिखा देता हूँ भाई। बड़ा पाव तो खा लिया, आसपास की मार्केट भाई देखी मैंने, ये डोसा नगरी, 0 डिग्री और बेकर्स लॉज और पीछे हाउस ऑफ वेडिंग करके भी है, और थोड़ा सा जब आगे आते हो तो भाई 2 मॉल हैं, सिटी सेंटर और द सिटी मॉल, बढ़िया मॉल है, जिम भी है उसके अंदर, KFC भी है, और लिटरली यहाँ पर भाई हर दूसरी गली में वड़ा पाव बिक रहा है, 20 से लेकर 200 रुपये तक का वड़ा पाव भी बिक रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया एरिया है, एक बार आना ज़रूर अपनी बहन चंद्रिका दीक्षित के बाद। अब मैं सच बोलूँगा भाई, देखो दुकान से थोड़ा दूर आ गया हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा, बंदी अपनी मेहनत से ऊपर उठ रही है, चलो उठाते हैं मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने भी थोड़ा बहुत शायद गलत बोला होगा इनके बारे में, लेकिन वो सारा कुछ वो था जो मैंने इंस्टा फेसबुक या यूट्यूब पे देखा था, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत सिंपथी या इमोशनल पॉइंट हर बंदा रखता है, अगर मेरे को भी थोड़ा सा एक पॉइंट मिल जाएगा लाइफ में कि मेरे को भी इस पॉइंट पर आकर पब्लिक की सिंपथी मिल रही है तो मैं भी गेन करना चाहूँगा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, किसको नहीं पसंद यार, मुझे भी पसंद है ये सब कुछ। बात रही खाने की, बढ़िया था, मज़ा आया मेरे को, एंड ये कोट आज मैंने सच्ची में सुन लिया, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, लड़की मेहनत कर रही है, मिलकर सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, एक आगे के भी मैं यहाँ के और भी ब्लॉग्स बनाऊंगा धीरे धीरे, आप लोगों को और भी एरिया दिखाऊंगा यहाँ का आसपास का अगली वीडियो में, इसको जरूर लाइक करना भाई, शेयर करना, कमेंट जरूर डालना कि वड़ा पाव वाली गर्ल आपको कैसी लगती है, और एक बार जरूर आके देखना खाना, क्योंकि मैं भी बहुत गलत अप्रोच लेके यहाँ पर आया था, मैं सच बोलूँ तो मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर, एक पॉजिटिव वाइब है, बंदी खड़ी होकर काम कर रही है, आंटी काम कर रही है खड़ी होकर, पैसा कमाना अच्छी बात है, और मज़ा आया मेरे को देखने में, मिलने में भी आंटी ने बड़ा प्यार दिया मेरे को, लिटरली आंटी ने, मैंने जब बोला बर्थडे है मेरा 10 दिन बाद, मैं और तू बड़ा बहुत साथ बैठ के खाएंगे उस दिन, बेटा तू पैसे भी मत दियो, अच्छा लगा, अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं है, मैं जज कर रहा था थोड़ा सा गलत, लेकिन हाँ रोस्टिंग आज भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार बरसाना थोड़ा सा भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।